डिस्क्लेमर, हम वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पूरी दुनिया ये मानती है कि जो लोग कुरान को मानते हैं, उस पर अपना ईमान रखते हैं, वो लोग मुसलमान होते हैं। लेकिन आज आप लोग के सामने ये बात साबित हो जाएगी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, ये सब एक दूसरे को मुसलमान मानते ही नहीं हैं। जितने भी मसलक हैं, फिरके हैं, सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये कौन सा दीन है जो हमेशा एक दूसरे को मारता काटता आया है, फिर भी अपने आप को पीसफुल रिलीजन कहलाता है? ये हमेशा से आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं और यही नफरत पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। ये लोग इतने मुनाफिक हैं कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा। और आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, प्लीज कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। नबी की जिंदगी में अबू सुफयान ने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया, ये बात सेट एंड सेटल्ड है। बाद में उसने यरमूक में अबू बकर के साथ मिलकर जो कुछ भी किया, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो उसकी लड़ाई मानी जाएगी, इस्लाम के लिए नहीं मानी जाएगी वो लड़ाई, क्योंकि नबी के होते हुए तो उसने ना कोई जंग लड़ी इस्लाम की साइड से, ना उसने नबी शरीयत का कलम जो है ना जनाबे वाला, शरीयत का कलम जाहिर पर होता है यार, इसको तमीज है जाहिर पर। बोलना कम करो और सुनना ज्यादा करो। सुन लिया ना इतनी देर से भाई, अब मेरी भी सुन लो। नबी की जिंदगी में जिसका ईमान पक्का नहीं हो रहा नबी के गुजरने के बाद, फिर वो बेशक जितना बड़ा मुसलमान बन जाए वो जीरो ही रहेगा। वो नबी की जिंदगी में मुनाफिक रहा, बाद में वो मुसलमान, वो इसीलिए नहीं आ रही है कि जिसने नबी की जिंदगी में ईमान नहीं लाया है, नबी के होते हुए ईमान नहीं लाया आदमी, तो वो बाद में जितना बड़ी मुसलमान बन जाए, जितनी मर्जी जंग, और जंगे यरमूक से भाग गए अबू सुफियान जंगे यरमूक की बात कर रहे हैं, जंगे यरमूक से भाग करके आया अली भाई और अमीर मुआविया को पता है क्या कलिमात कहे थे उसने? अबू सुफियान ने अमीर मुआविया को कहा था इसने के ए मुआविया, खिलाफत को अपने दांतों से मजबूती से पकड़े रहना, जन्नत और जहन्नम जैसी कोई चीज नहीं है जी। ये क्या सच्चा ईमान वाला आदमी कहेगा जुनैद? जन्नत और जहन्नम जैसी कोई चीज नहीं है, खिलाफत को पकड़े रहना। आप जंगे यरमूक के वाक्य आप सुना रहे हो, नबी की जिंदगी में नबी के मुंह पे जिसने झुटला दिया नबी को कि नहीं नबी तेरी नबूवत के बारे में तो मुझे शक है, तो वो बाद में जितना मर्जी बड़ा मुसलमान बन जाए कोई मैटर नहीं करती बात। आदमी को जन्नत और जहन्नम में भी ईमान नहीं है, तो मुआविया को ये कह रहा है खिलाफत को मजबूती से थामे रहना, जन्नत जहन्नम शिया की किताबों में लिखा है। कौन सी सीरत की किताब में लिखा है? शिया की किताबों में लिखा है। अच्छा, शिया की किताब उसे लाओगे? सुनियों के सामने नहीं, हमारे नजर में मुसलमान नहीं है वो। थैंक यू, नहीं है, आज हो गई खत्म, मुसलमान नहीं होते हैं, बहुत नहीं है तो नहीं है, हमारे नजर मुसलमान नहीं है वो। किस बेस पर नहीं होते वो? कुरान में तहरीफ का किधर रखते हैं? बात सुनिए मेरी, अभी जो मैंने बता रहा ना, बात सुन लो पहले। खिलाफत की मुल्क वो सहाबा इकराम को मुसलमान नहीं समझते, कहते हैं कि हुजूर की वफात के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे माशाल्लाह, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, उनके अकायद ऐसे हैं कि मुसैलिमा की बात, मैं बात कर रहा हूं, अरे भाई सुने जुनैद, मैं बात कर रहा हूं, सहाबा को नहीं कहते वो, सिर्फ खलीफाओं को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अली के साथ शादी की थी। पांच सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पांच मिगदाद, एक सेकंड यार, एक सेकंड, मिगदाद के तो कसीदे बनाए हुए हैं शियों ने, मी समेत अम्मार के तो कसीदे बनाए हुए हैं, बिलाल हबशी के तो कसीदे बनाए हुए हैं, किसने बोला आपको सहाबियों को काफिर कहते हैं वो? नहीं, मैं इनको बता रहा हूं कि किताबों में कहते हैं जुनैद, उनकी किताब में कितनी किताबें पढ़ ली आपने शियों की? अली भाई मुझे बस एक मिनट दें, फिर आप अपनी बात करेगा इनसे। शिया के टॉपिक पे मैं वैसे भी बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई को, वो कुछ खलीफाओं को बुरा कहते हैं, उसकी दलील ये देते हैं, और जो सही भी है, क्योंकि आपकी अपनी सही बुखारी के अंदर लिखा हुआ है कि हज्जत उल वदा के मौके पर आप रसूलुल्लाह साहब ने, जब 100,000 सहाबी थे, तो उन्होंने हजरत अली का हाथ उठा करके ये कहा था कि जो अली में मैं हूं और मुझ में अली है, और अपना सक्सेसर जो है ना जी, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी कि उन्होंने हाथ उठा करके अली को अपना सक्सेसर वहां पर अनाउंस किया था कि मेरे बाद खलीफा अली है। लेकिन जब मोहम्मद की मौत हुई, तो मोहम्मद की मरने से पहले ही उमर उनका मुनकर हुआ, ये कहकर के किसको कागज कलम मत देना, क्योंकि उसको पता था कि ये आप कागज कलम में लिखेंगे मेरे बाद खलीफा अली होगा, और वो चाहता नहीं था उमर खलीफा बने अली, इसलिए उसने कागज कलम देने से, कलम दबा देने से मना किया आपके मोहम्मद को मरते टाइम। उमर ने नबी की बेटी का घर जलाया, दरवाजा जलाया, उसके पेट पे गिरा, उसके पेट में कासिम मौजूद था, वो कासिम पैदा होने से पहले मर गया, और उस आदमी को तुम बोल रहे हो हम खलीफा माने? अबे वो आदमी मुसलमान ही नहीं, इंसान नहीं माना, अरे तू मत मान। अच्छा ये देखिए, शियो का अकीदा, ये जो तुम बकवास कर रहा है ना, ये शियो का अकीदा में लिखा है कि नहीं लिखा है कि उमर ने कागज कलम दबा देने से मना किया? सुन्नियों की किताब में लिखा है, शियाओं का कलम कलम वो दबा नहीं दिया, तो इसकी क्या दलील है कि वो खिलाफत लिख कर दे रहे थे? ओके, क्या उसने लिख कर दे रहा था जब नबी जिंदा है? सुन, एक
एक एक करके जवाब, ठीक है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने वो मुद्दा आगे क्यों खड़ा किया? जुनैद सुनो, सवाल ले लो पहले फिर जवाब देना। सवाल ये है, मौला का माना क्या है? जब नबी जिंदा है और नबी अपनी वसीयत लिखना चाह रहा है तो उमर ने उसको लिखने से मना करके कुफ्र किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों? उमर तक नहीं पहुंची कि नबी जो दे वो ले लो और नबी जो छोड़ने को कहे वो छोड़ दो। जी जी वो मालूम है, मालूम है, लेकिन वो ये नहीं कहा। सरकार की जो तबीयत थी वो अलील थी, सरकार से बेकरारी के आलम में उस वक्त तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने की राय थी कि सरकार अभी हालत में है तो हमारे लिए भी कुरान काफी है। सरकार करने वाला उमर कौन होता है? सरकार कुछ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? उमर अच्छा सरकार होता कौन? सरकार अपने हाथ पानी में, सरकार अपना हाथ पानी में बार बार डाल रहे थे और मुहर लगा रहे थे। आयशा सुन, उमर सुन, ठीक है ना? चाहे सरकार नंगे ना रहे थे लेकिन जब सरकार ये कह रहे हैं कि मुझे कागज कलम दवा दो, मुझे वसीयत लिखनी है, तो उमर कौन होता है ये कहने वाला किसको कागज कलम दवा मत दो? मुझे इसका जवाब दे बस। अल्लाह के रसूल की अतात क्या उस वक्त मंसूख हो गई थी जब नबी बीमार होते हैं? या नबी जब बीमार हो तो उसकी अतात नहीं करनी है? साबित करो मेरे से, अब मुझे कुरान से और हदीस से साबित करो नबी की बीमारी की हालत में उसकी ताईद नहीं करनी है। नबी की नबूवत मंसूख, मुझे साबित करो नबी की नबूवत मंसूख हो जाती है जब वो बीमार होता है। मुझे साबित करो कि नबी के अहकाम मंसूख हो जाते हैं जब वो बीमार होता है। नबी बीमार होकर भी नबी होता है। अभी म्यूट करके बैठ गया, अभी बोल ही नहीं रहा कुछ। अरे भाई बोलो। दोस्तों यहाँ पर ये मोमिन स्ट्रीम छोड़कर चला जाता है, लेकिन अब आपके सामने बात साफ हो गई है कि सुन्नी लोग शिया को मुसलमान मानते ही नहीं है। अब आइए देखते हैं दूसरा मोमिन क्या कहता है। नबी के मरने के बाद अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली चारों की खिलाफत गुजरने के बाद अमीर मुआविया की खिलाफत आती है, उसमें वो कहता है कि भाई मजबूती से पकड़े रहना खिलाफत को, जन्नत जहन्नम जैसी कोई चीज नहीं है। वो काहे का मुसलमान है? जिसका ईमान ही जन्नत जहन्नम पर नहीं है वो क्या मुसलमान है? और ये उसको मुसलमान साबित करने पे तुले हैं। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि उसको कभी कभी उठा के खलीफा की कुर्सी पे भी बिठा देते हैं कि वो खलीफा भी था भाई, खलीफतुल मुस्लिमीन भी कहते हैं उसको। एक ऐसा आदमी जिसके अपने करेक्टर का ही कोई वो नहीं है। हालांकि मुझे कोई मोहम्मद से प्यार व्यार नहीं है, लेकिन अपने आप को अगर आप मोहम्मद का आशिक कह रहे हो तो कम अज कम उसकी बताई हुई जन्नत दोजख पे तो ईमान रखो। ये कैसा इश्क है मोहम्मद से? ये मोहम्मद से इश्क तो है लेकिन मुझे बातें करके क्या उससे मुझे भरोसा नहीं है, ये कौन सा इश्क है भाई? हेलो, अपने नबी को मरते हुए यार ये जो है कागज कलम नहीं दे रहे ताकि वो तहरीर लिख दे और वो वसीयत कर दे जिससे लोग गुमराह ना हो। उमर ने वो वसीयत ही नहीं आने दी लोगों के पास जिससे लोग गुमराह ना होते। और ये क्या बताओ, ये लिखने एक सेकंड भाई, क्या बताओ ये लिखने वाला हो वो, चलो हमने मान लिया कि वो अपना सक्सेसर ना लिख रहा हो, क्या बताओ ये लिखने वाला हो कि 73 फिक्र जो मैंने बताया उसमें जन्नती कौन सा है? क्या पता वो ये लिखने वाला हो कि मैंने जो अल्लाह की किताब तुम्हें सुनाई है इसे अपने सीनों में महफूज करो लेकिन इसे कभी जो है किताबत की शक्ल में महफूज मत करना। क्या पता वही कहने वाला भी हो सकता है ना, वो मैसेज तो आया ही नहीं ना उमर की वजह से। Exactly. ये तो उमर गुनाहगार हुआ ना। हेलो जी सैयद अशरफ साहब बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे थे ना किस बारे में भाई, जो अबू सुफियान मुआविया को बोला था कि जहन्नम जन्नत बोले कुछ नहीं है, वो कौन सा किताब में है? सियाक किताब में ना। हाँ आप सारे चीज ahlesunnat.com से दिखाते हो, आप सियाक किताब से क्यों दिखाएंगे? ahlesunnat.com से दिखा दो भाई। मेरी बात सुने मेरे दोस्त, जहाँ से हम लोग जो है मुस्लिम, आप ना ये मुस्लिम के बात लोगों का प्रॉब्लम ये है, आप सियाक का प्रॉब्लम ये है कि आप सवाल करते हैं और जवाब नहीं लेते, बस यही सारे प्रॉब्लम है। नहीं नहीं आप हर चीज का दलील आप ahlesunnat.com से जवाब देना चाहते हैं मेरा। देखिए मैं मेरा अकीदा क्या है, जवाब देना चाह रहा हूं, अगर आप जवाब लेना चाहे, आप नहीं लेना चाहते तो मना कर दीजिए, मैं नहीं दूंगा। नहीं मैं आपको बता रहा हूं ahlesunnat.com से दिखा दीजिए आप क्या हैदरा जाता है। ठीक है मैं इसी का जवाब दे रहा हूं आपको, आप जवाब देना चाहते हैं ahlesunnat से दिखाइए देखो। ये पांचवी बार आपने एक ही बात बोली है, मैं कह रहा हूं मैं जवाब दे दूं। दीजिए कोई इशू नहीं, हम लोग एक्स मुस्लिम हैं और जब कोई आदमी इस्लाम से बाहर निकल जाता है ना उसके लिए पूरा मुकम्मल इस्लाम ही एक करप्ट चीज होती है, एक गलत चीज होती है। हमारे लिए शिया भी मतलब भी करप्ट है और सुन्नी भी करप्ट है। वो हुज्जत आपकी है, हमारी नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। हमारे लिए तो तुम सारे ही गलत हो। ठीक है ठीक है, सारे ही गलत बोल। लेकिन जब आप कोई मुतालबा करेंगे तो उस वक्त हम आपके इस्लामिक फिक्स से हम आपका हवाला देंगे। शिया आपके लिए मुसलमान नहीं होंगे, हमारे लिए वो मुसलमान है। मुसलमान है, मैं सुनो, मैं मुसलमान मानता हूँ। ठीक है, जो पहले वाला जो इंसान बोल के गया है वो गलत बोल के गया है। सिया लोग का जो
गलत अकीदा है वो नहीं मानते। इस मोमिन की बात ध्यान से सुनिए आप लोगों ने, ये शिया को मुसलमान तो मानता है पर उसके अकीदे पर विश्वास नहीं है, इसे कहते हैं मुनाफिकता का आला दर्जा पर काबिज होना। लेकिन उसमें ईमान है कि नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हवाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, हवाले आप जो दे रहे हैं ना, आप sunna.com से जो दिखाते हैं वहीं से दिखा दीजिए ना हमको। नहीं, sunna.com पे इस तरह का कोई हवाला नहीं है क्योंकि उन लोगों की मजबूरी नहीं है, आपका मजबूरी है क्योंकि आप मतलब टॉपिक से हट गए हैं। आप जो जिया से दिखाते हैं वहाँ से दिखा दीजिए ना, हम तो बता रहे हैं ना आपको। मेरे भाई मेरी बात सुने, मैंने आपको भी बहुत अच्छा जवाब दिया है कि मैंने वो हवाला दिखाया नहीं है स्क्रीन पर, मैंने उसको बताया कि वो शिया की। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका चैनल का होल्ड ऑन, मैंने वो हवाला स्क्रीन पर रखा नहीं है, मैंने उससे पूछा, अब मैंने उसको बताया कि वो शिया की किताब से है, मैं दिखाऊं, उसने बोला शिया की किताब से, मैं नहीं मानता, मैंने नहीं दिखाया, दिखाया ही नहीं है मैंने, तो आप कैसे कह सकते हो दिखाया। अगर आप कह रहे हो सुन्ना की किताब से दिखा दो, तो सुन्ना की किताब में ऐसा कोई हवाला मेरी नजर में नहीं है, अगर है तो मुझे मालूम नहीं है। अब आगे बढ़े, क्यों होगा सिद्धार्थ भाई, क्यों होगा, आप जरा पीछे जाएं। मैं अभी बोलूं भाई, एक बार रुक जाओ, मैं बोलूं। आप बोलो। ठीक है, आपका आप जो हदीस बता रहे सियाक की किताब से है वो सही है, उसका क्या अथॉरिटी है, मुझे क्या पता चाहिए कि नहीं, वो आप तय करना या शिया तय करे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मालूम ही नहीं है वो सही है कि गलत है, तो नहीं मालूम है क्योंकि मैं शिया मसलक से ताल्लुक ही नहीं रखता, ना मैंने उसको पढ़ा है, नहीं मालूम इसलिए मुझे। क्यों पढ़े नहीं, पहले पढ़ तो लीजिए। क्यों पढ़ना है मुझे, जब मैं सुन्नी को पढ़ के इस्लाम छोड़ दिया हूं, तो मुझे शिया क्यों पढ़ना है। वही तो बोल रहे हैं शिया सुन्नी, आप इल्जाम जब दोनों को एक ही मानते हैं, भाई चुप रहे, मेरे बात सुन लो भाई, आपका बात मैंने सुन। शियाओं में हदीस सही होने का क्राइटेरिया पता है आपको? आप पहले सामने वाले की बात सुने सैयद, सामने वाला कह क्या रहा है। दूसरी बात यह है कि पैनल में इस वक्त जो है आप समेत छह और मुझ समेत छह लोग बैठे हैं, यहाँ छह के छह लोग ये जो बैठे हुए हैं इन सबको बात करने का हक है अगर इनको कोई पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन उस टॉपिक से हटकर कोई बात करने का हक नहीं है, जो टॉपिक में बात चल रही है, तो आप नहीं तय करेंगे कि कौन बोलेगा कौन चुप रहेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा जिसकी स्ट्रीम है। आप आए हैं, आपको बराबर मौका मिलेगा बात करने का, अगर आपको मौका नहीं दिया जा रहा है तो हमारी गलती है सैयद भाई। अब सीधी तरीके से आप हमें ये बताइए, मेरा उसूल, मेरा मेयार जो है ना वो हदीसें या किताबें नहीं है इस्लाम का, मेरा मेयार है कुरान, और कुरान को शिया भी मानता है सुन्नी भी मानता है, दोनों इक्वली मानते हैं। बाकी जो चीजें हैं ना किताबें, वो तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री है मेरे लिए, उनको मैं एज ए सपोर्ट कुरान की जो चीज है वो साबित करने के लिए, जो चीज कुरान में नहीं है उसको साबित करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री लेके आता हूँ, वरना जो चीज कुरान में है मैं उसे पहले कुरान से दिखाऊंगा, बाद में मैं कहीं और जाऊंगा। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों खिलाफ बोलूं। ठीक है, मैं आपको बात समझ गया भाई। हेलो, मैं थोड़ा बोलूं, जहां मुद्दा था मैं वहीं पे आ रहा हूं। ठीक है, आप यहां से जो बहस चल रहा था, जो अहले सुन्नत पाक.com जो भी है वहां से जो आप सवाल किए अबू सुफियान के ईमान के बारे में, ठीक है, एक भाई ने मुद्दा उठाया, आपने बोला कि अबू सुफियान ने, यही तो आप लोगों का झमेला, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आप नहीं कर दे रहे, मैं आपको गाली भी नहीं कर रहा हूँ कि अहले sunna.com से हवाला नहीं दिया, मैंने सीरत की किताब से दिया, तो इतना बोल रहा था, आप बोलो भाई। सॉरी, आप दिखाइए, मैं उसे नहीं जा रहा हूँ, आप जो बोले ना अबू सुफियान बोला था जहन्नम जन्नत बोले कुछ नहीं है, मुझे दिखा दीजिए, वो देखना चाहते हैं हम, वो भी अहले सुन्नी किताब में देखना चाहते हैं। सिया के किताब में जो हदीस है, हदीस का कोई मतलब सही बोला है, कौन कौन सही बोला है, कौन कौन मतलब जो ही जाल जो भी बोला है उसका भी डिटेल्स हमको दीजिए सर। सिया की किताब से अगर साबित होता है कि वो सही हदीस है, आप मान लोगे? नहीं, सिया के अकल से नहीं होगा। अरे तो फिर भाई क्यों देखना है, जब नहीं मानोगे टू टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर। मुझे देखना नहीं है, आप सिर्फ ये बताइए कि वो जो सही बता रहे कौन कौन लोग सही बताए वो बताइए मुझे। भाई साहब, शिया की जो कुतुब है, बात घुमाए ना, जहां मैं बोलिए आप बोलिए। शिया की जो कुतुब है, शिया मकतब की जो किताबें हैं ना, हदीस की किताबें, उन हदीसों की किताब के अंदर वो चीज मेंशन है अबाउट अबू सुफियान एंड अमीर मुआविया। ठीक है मेरे भाई, वो एक हदीस है सिया की किताब से, अगर आप वो चाहें तो मैं उसका हवाला आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से उसकी डेप्थ मांगेंगे, किसने सही बोला, किसने नहीं बोला, किसने रिवायत की, कौन रावी है, तो भाई मेरे को नहीं पता इतनी डिटेल, क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि मैं शिया की किताबें पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे को तो ये हवाला मिला था, मैंने देखा उस हवाले को, उसमें वाकई ये चीज था, और आज के टॉपिक से रिलेटेड ही मुझे वो किसने हवाला भेजा था। ठीक है, मैं अभी बोलूं? बोलिए सर, मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे सिया का किताब है, अब मैं कोई एक किताब उठा के दिखा दूंगा, 2+2=10 होता है, अब मान लेंगे? दोस्तों, यहाँ पूरी तरह से साफ हो जाता है, सुन्नी मजबूरी में खाली जुबान से वक्त पढ़ने पर सिया को मुसलमान कहते हैं, पर दिल से उनको मुसलमान नहीं मानते, और सिया की किताबों को भी गलत बताते हैं। नहीं, लिखा है तो मानना पड़ेगा, सही की गलत पहचान नहीं करेंगे उसको? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं इनकार कर दूंगा उसका।
सही तो आपको मालूम है ना, सही कौन सा गलत है पहले उसको जलेबी घुमा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सवाल एक ही है, वही सवाल रहेगा, आप बताइए जहाँ पे अबू सुफियान बोला है जहन्नम जन्नत बोले कुछ नहीं है, देख रहे हो ये अभी तक भी नहीं रुक रहा है, अभी भी नहीं रुक रहा है। नंबर चाहिए क्या? ये सारे के सारे संदीपन दादा, ये सारे के सारे दिमागी रूप से बीमार होते हैं क्या मुसलमान? मैं कह रहा हूँ तुझको भाई मेरे सैयद अशरफ, क्या नाम है तेरा, अशरफुल्ला, अगर तुम मुझे दिखाओगे दो और दो दस होते हैं तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दो और दो दस नहीं होते, चार होते हैं, तो इससे मैं नहीं मानूंगा। सिया की किताब में कोई चीज लिखी हुई है तू कहते मैं उसको नहीं मानता, मैं तेरे साथ नहीं झगड़ूंगा, बात खत्म, कुछ जबरदस्ती है ही नहीं। ये था मेरा जवाब जो तू सुन नहीं रहा, तू कहते मैं नहीं मानता उसको, बात खत्म हो गई। मैं क्या बोलूं आपको, सुनिए बोलिए, जो जो किताब में लिखा रहेगा वही आपको सही मानना है कि उसका ऑथेंटिक चेक करना है, पहले बताइए। अली भाई, संदीपन भाई, शायद मेरे पास वो लैंग्वेज नहीं है जिसमें इसको बात समझ में आती है, प्लीज आप मैं ये बोल रहा हूँ, आसमाउर रिजाल का जिन इमामों ने आसमाउर रिजाल का ग्रंथ लिखा, वो आसमाउर रिजाल को ऑथेंटिक कौन बनाएगा, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जो कुरान से मिलता है, मैं बता रहा हूँ, जो जो हदीस से, जो हदीस से दादा, एक मिनट जाए, इसको पहले तो आप ये पूछ लो कि अस्माउर रिजाल कहते हैं किसको, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको वो भी नहीं पता होगा। अगर बता दिया तो तुम मुस्लिम हो जाओगे? क्यों, तुम लोग हर चीज में जो है ना, तुम ये इस्लाम बेचते फिरते हो क्या? ये कर दिया तो मुस्लिम हो जाओगे, ये कर दिया तो मुस्लिम हो जाओगे। नहीं, मुद्दे पे आते हैं, छोड़ दीजिए, आप मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, मुद्दे पे आ जाओ, चलो तुमने शर्त लगाई ना, मुद्दे पे आ जाओ, तुम मुझे साबित कर दो कि अबू सुफियान ने जो है ना अपनी खुशी से और दिल से इस्लाम को भूल गया था, मैं इस्लाम मुसलमान हो जाऊंगा, नहीं कर पाए तो तुम मुस्लिम हो जाना, मंजूर है? नहीं, मुद्दे से नहीं हटेंगे, आप जो बोले क्यों कबूल किया, मुद्दा यही है मेरा, आते हो मुद्दे पे? नहीं भाई साहब, जो बोला था आपने एक सवाल करते हुए बोले ना, अबू सुफियान ने बोला है जहन्नम जन्नत बोले कुछ चीज नहीं है, ठीक है, वो चीज हमको इसकी दलील क्या है? शियाओं की किताबों के आप देखेंगे, बड़े बड़े इमाम रावी है उसमें। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे, हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, इस्लामिक कर से बचें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, वंदे मातरम।